हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजबो राज, आपके सामने RTR अपाची 310 और मॉडिफिकेशन तो इसमें दिखाऊंगा बाद में। अभी तो काम चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। पहले मिला था भैया से कि भैया कहां से आए हैं, तो भैया कहां से आए हो आप? जी मैं MP से, मंदसौर मध्य प्रदेश। पहले काम करा के जा चुके हैं आप? जी हाँ, हंटर का करवाया था ना पिछले टाइम, लास्ट टाइम हंटर लेके आया था। तो लास्ट टाइम भैया ने हंटर काम करा, काम अच्छा लगा तभी आए हैं ऐसे आगे। स्पेशल मैंने कॉल करके निकला, आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे। देखा तो समझ लो कि जनमन जो काम होता है वो सिर्फ एक ही शॉप पे होता है, जो कि भैया की क्या सबकी फेवरेट है। गली के बाहर आके मैंने कॉल किया, गली के बाहर मिली थी नहीं। तो लास्ट टाइम भैया थोड़े भटकते भटकाते आए थे, बट आ गए थे और अब फिर अगेन आए। और काम बता दो इसमें क्या क्या होने वाला है। पहले सबसे ज़रूरी चीज़ बता दो जो भैया ने नहीं इसमें करानी चाहिए आपको भी। भैया ने तो अगर कराने आ ही रहते तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये स्क्रैच गाड़ी देख लो, सती अभी तक लग रहा है, इसमें गाड़ी नहीं है। ये स्क्रैच आ गया, ये इधर स्क्रैच आ गया, ये स्क्रैच आ गया एंड ये स्क्रैच आ गया और स्क्रैच आ गया आपका ये। और सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर जो है जो लगाने वाला वो क्रैश गार्ड है। अब ये लगा होता है इसमें तो, लेकिन वही ना तो इसको कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब वो नहीं था इसमें, इसीलिए इसमें ये दिक्कत आई है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। कोई बात नहीं, इसको अभी रिजॉल्व करेंगे एंड में आपको दिखाएंगे कि इसमें बाकी क्या क्या हुआ है। और क्रैश गार्ड का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि ये इसका बेनिफिट होता है। और बाकी इसमें रेडिएटर गार्ड हो गया, एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं खुल रहा है अभी, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगेगा इसमें अभी, ये देख सकते हैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगना। लीवर गार्ड है, लीवर है, ये देखो लीवर भी टूट गया, लीवर है। और बहुत सारी मॉडिफिकेशन होनी बाकी है। चलें बने रहने के, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना, राजू भाई SKD को ये ध्यान दें। और बाकी अभी पहले थोड़ा काम देख लो, उसके बाद बताते हैं क्या क्या इसके। अभी तक आपने देखा ऑल अबाउट काम कैसे हो रहा था, कैसे आपको सुनाता हूँ उसके एग्जॉस्ट के साथ। बैंड पाइप देख सकते हैं आप, ये बैंड पाइप लगा दिया, फुल सिस्टम्स का बैंड पाइप है जो किसी का इंस्टॉल कर दिया गया। कैथलिन कन्वर्टर वाला है और ये इंपोर्टेड है, नॉट इंडियन, इंपोर्टेड वाला बैंड पाइप है जो कि इंस्टॉल किया गया। और अब सुनाते हैं आपको एक एक एग्जॉस्ट के साउंड। आइए तो ये देखिए, ये पहले निकाल दिया है इसका ऑस्टिन रेसिंग का, इसकी सुनते हैं साउंड आइडल पर, फिर इसका अप्रोच गजब है, गजब तेज है। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट बहुत तेज है जो। तो सिस्टम में थोड़ा चेंज आ गया है, सिस्टम में हम कुछ और इंस्टॉल करेंगे जिससे थोड़ी सी आवाज़ कम होगी, क्योंकि अभी आवाज़ बहुत लाउड हो रही है एवरी एग्जॉस्ट की। तो उसके लिए हम दिखाएंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे। अभी लगा रहे हैं SC प्रोजेक्ट का, जो कि आप इसकी सुनना साउंड कैसी आती है। नेक्स्ट यह एक्रोपोविक का बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यू हैवी क्वालिटी का एक्रोपोविक, इसके सुनते हैं साउंड। आ रहा हुआ जो, तो बस हवा निकल गई। और अब सुनाते हैं एक्रोपोविक का टाइटेनियम वाला एग्जॉस्ट, वाह मजा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये, बाकी भैया से पूछेंगे एंड में। इसको साइड में निकाल दो। और अब लगा रहे हैं एक्रोपोविक का R1M जो कि इंस्टॉल कर दिया गया। अब सुनाते हैं इसके साउंड। इसकी भी साउंड ठीक है, ओके है, इसको भी रखते हैं साइड में। अब सुनाते हैं आपको R9, सीधा R9। बस भैया जो सही है तो ये भी ठीक है। अब देखते हैं फाइनली भैया को क्या पसंद आया। अभी जितने भी एग्जॉस्ट हैं ये मैंने सारे प्रीमियम क्वालिटी वाले यूज़ किए गए हैं, थर्ड क्वालिटी वाले कोई दिखाया नहीं मैंने। एग्जॉस्ट की रेंज बहुत सारी है बट सिलेक्टेड चूजी वाले निकाले थे। अब फाइनली देख लेते हैं भैया को क्या पसंद आया। भैया ने ये सिलेक्ट कर लिया है R9। अब इसमें इंस्टॉल करने के बाद पूरी मॉडिफिकेशन एक साथ दिखाता हूँ और एंड में सुनाता हूँ आपको इसकी साउंड। तो
वो आपने देखी जो मैंने आपको दिखाई मॉडिफिकेशन स्टार्ट से लेकर जब आए थे तब भी दिखाया था, उसका मैंने बीच में आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुनाई, एंड में आपको दिखा दूंगा कौन सा लगाया है इसके अंदर, और आपने मॉडिफिकेशन सारी देखने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सारा काम हुआ है वो क्या क्या हुआ है। देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर देखने मिलेगा आपको ये है इसके शॉकर प्रोटेक्शन, जिससे आपके शॉकर्स मड़गाड़ वगैरह हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि यूएसडी शॉकर होते हैं, इसमें टक्कर लगने के बाद ये ख़राब होने को पूरे शॉकर का डैमेज, और ये बहुत मोटा खर्चा आता है। तो सिंपल सी बात, इसे लगाने के लिए लगाने के बाद ये हो जाता पूरी तरह से, और इधर आपका हो गया फॉल्स लैडर, इससे भी आपका नीचे का पार्ट जो वो होता है सेफ, और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आपको शॉकर मड़गाड़ डिस्प्ले और आपका ABS प्लेट ये सारी चीज़ें होती है पूरी तरीके से सेफ। तो फुल सेफ्टी वाले फीचर से जो इसके अंदर लगा दिए गए आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है जो इसके अंदर फिटमेंट की गई है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसके अंदर लगाई गई है ये आपकी शॉकर स्लीव, ये शॉकर स्लीव है किसी भी गाड़ी के अंदर अगर लगाना ईजी टू इंस्टॉल्ड है ये लगा दिए, इससे आपका डस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं रुकते किसी भी तरीके से, और आपका शॉकर भी पूरी तरीके से काम करते हैं इसके अंदर, और ये दोनों तरफ होती है इधर भी और साथ मिलते हैं आपको इधर भी। और इसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर देखने को मिलेगा ये है इसका लीवर, जो कि मैंने दिखाया था टूटा हुआ था, ये भी इसमें नया लगा दिया गया है, इसमें इंस्टॉल कर बहुत महंगा आता है ये, बट लेकिन जब टूट गया एक्सीडेंट में तो मजबूरी है लगाना, तो ये भी इसका लगा दिया गया नया। साथ में आपको मिलते हैं लीवर गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं इससे आपके लीवर और हैंड ये दोनों होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट, अगर जो ये लगे होते ना शायद तो ये आपका लीवर टूटता भी नहीं शायद। अब देख सकते हैं जो मैंने स्क्रैच दिखाए थे आपको जब भैया आए थे, स्क्रैच कवर कर दी गई इधर भी और इधर भी, ऐसा लग नहीं रहा कि आपका स्क्रैच में था भी या नहीं। और जो सबसे नीडफुल मॉडिफिकेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो दिखाता हूँ, ये है इसका क्रैश गार्ड, ये देख सकते हैं ये इसका क्रैश गार्ड है, अब ये लग गया है ना, अब आपका स्क्रैच आने का खतरा बिल्कुल ख़त्म, लैग्स भी सेफ हो गए, टैंक भी सेफ, TPFC भी सेफ, सब कुछ सेफ, ऑल अबाउट सेफ। तो ये सेफ्टी फीचर में लगा दोनों तरफ देखने मिलेगा, इधर भी मिलेगा, साथ में आपको देखने मिलता है इस तरफ भी, ये देख सकते हैं सिंगल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर इधर ये आपका लगा दिया गया इसके अंदर, तो इससे आपकी फुल सेफ्टी हो गई है आपकी बाइक की। और साथ में इसमें लगा दिया GoPro GPS माउंट, जो कि इसके अंदर देख सकते हो आप, इसमें GoPro लगाना, GoPro लगाओ, GPS लगाओ, GPS लगा लो, कुछ भी इसे लगाना चाहो इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर और अपना चला सकते हो। साथ में इसमें मिलेगा सिमटेक का मोबाइल होटर, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया आपका नॉन चार्जिंग वाला, इसमें लगाना जैसे भैया MP से आए हैं तो MP से आने का मतलब क्या आएगा कैसे बंदा, इसमें लगाओ GPS ऑन करो आ जाओ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका लुधियाना, चाहे अम्बाला, कहीं भी हो, सब सब में करना क्या है, सिर्फ ऑन करो निकल जाओ, तो ये भी इसमें लगा दिया गया। साथ में आप क्रैश गार्ड को दिखा दिया, और इसके बाद अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर जो एग्जॉस्ट इसके अंदर फिट किया गया है उसकी साउंड के साउंड कैसी है, ये देख लो, ये है इसका R9 का एग्जॉस्ट, जो कि फुल सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, देख सकते हैं कैटलिंग कन्वर्टर वाला है आपके, ओरिजिनल इंपोर्टेड, नॉट इंडियन इंपोर्टेड। अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड फाइनली कि साउंड इसकी कैसी है। ये हो गया आइडल और अब देता हूँ थ्रोटल, तो आपने साउंड सुन ली इसकी भी फाइनली कि इसकी कैसी लगी, और अब मिलवाता हूँ भैया से। पहले मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिलवाया था इनका, और अब एंड में फाइनली काम कंप्लीट होने के बाद कि भैया काम कैसा लगा। तो हेलो भैया, तो कैसे क्या बात है, बड़े चमक रहे हैं। ये भैया ने गिफ्ट किया मेरे को, चमक रहे भाई, तो गिफ्ट तो यार बनता है जब बंदा इतनी दूर। लास्ट टाइम मैं हंटर लेके आया था तो आपके यहीं से मैंने करवाई थी मॉडिफिकेशन, और उसके बाद ये जब ली मैंने एक महीना ही हुआ अभी, और वापस में इन्हीं के पास आए मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। तो आपको ऑल अबाउट पहले कैसा लगा था काम और अब कैसा लगा? नहीं, 10 out of 10, इसीलिए तो मैं वापस आया ना, समझ गए। MP से आए हैं स्पेशली मॉडिफिकेशन कराने के लिए, तो सोच समझ सोच सकते हैं कि किस लिए आए हैं, काम यहाँ पे बेटर मिलता है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये भैया नकली शॉप है, तो क्या कहना चाहेंगे बताइए आप? नकली, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑन द लोकेशन पे, कुछ भी बोल देते हैं। आपका चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिए, मोबाइल नंबर है, आपको कुछ भी चाहिए तो पार्सल भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी बिल्कुल सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास, होम डिलीवरी अवेलेबल है। और भैया ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि रियल कौन है और फेक का तो यार बस पूछो मत। और कस्टमर जो हमारे भाई बंधु, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो SKT के नाम से मेरी शॉप है पिछले 2.5 साल से करोलबाग के अंदर है अपनी जो शॉप है, 2 शॉप है अपनी करोलबाग के अंदर। बाकी जिन लोगों ने नकली फर्जी का धंधा खोला हुआ, जो लोग बार बार डीफेम कर रहे हैं मुझे, उन भाई उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उसको छोड़ो, पर आप समझदार बनिए। जब भैया काम करा के गए थे, सेटिस्फाइड थे, तभी आए। और मैं आपको बार बार कंटिन्यू आपको इसलिए बताता हूँ कि जो कस्टमर रिटर्न कस्टमर होता है ना, वो जब भी आता है जब उसको काम अच्छा मिलता है, तब काम प्राइस और नेचर हर चीज़ समझ, तब जाके वो शॉपकीपर बनता है ब्रो। और 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 25 साल मैंने ऐसे ही नहीं गुजारे, काम करके गुजारे हैं, आप लोगों की सेवा करिए तो मैं जाके 25 साल से काम कर रहा हूँ। और SKD की मेरी शॉप है ना,
इसकी जो फुल फॉर्म है ये मैं आपको हर बार फिर बताता हूँ कि मेरी जो शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने कर रखा है एस के डी, ये मेरी फुल फॉर्म मेरी फैमिली नेम है जो कि एस मीन शालू, के मीन कुलदीप, डी मीन डुगू, ये मेरा फैमिली नेम है जो मैंने रखा हुआ है, ना कि किसी फर्जी का मैंने नाम रखा हुआ है इधर, समझ गए। तो अब समझदार बनो यार प्लीज़, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा समझदार बनिए प्लीज़, छूटे लोगों से सावधान, काम करवाना टॉप क्लास चाहिए तो एक ही बंदा है जो कि राजू भाई की शॉप है, बाकी आपकी इच्छा आपको कहीं भी जाना है। और भैया मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।